महात्मा महाराज जनक जी की ऐसी आवेशित वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष माँ सब दुखी हो गए। परंतु लक्ष्मण जी की तो भैया त्योरी चढ़ गई। लक्ष्मण भैया आवेश में आ गए। गुरुदेव भगवान बैठे हैं, श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, मारे भय के लक्ष्मण जी कुछ कह पा नहीं रहे हैं। परंतु एक बार ठीक, दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा जनक जी ने, लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े और दंडवत करते हुए बोले, प्रभु रघुवंशी एक भी किसी सभा में उपस्थित हो उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आज गुरुदेव के सन्मुख आपके रहते हुए जनक जी ने जो वाणी बोली, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहउ सुभाउ न कछु अभिमानु, कहउ सुभाउ न कछु अभिमानु, जौ तुम्हारे अनुशासन पावो, जौ तुम्हारे अनुशासन पावो, खंड कहिय ब्रह्मांड उठावो, प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जान यस आयस हो, नाथ जान यस आयस हो, मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल दिन चाप चढ़ाओ, कमल नाल दिन चाप चढ़ाओ, जन सत प्रमाण ले आओ, 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 गौरव क्षेत्र दिन मिथिलापति ने जो कहा सर्वथा अनुचित कहा। मेरु को मूली की भांति, धनुष को जैसे बच्चे कच्चे घड़े को चूर चूर बना दे, चूर कर दूंगा, अनुमति मिले बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे राम देते राम हो दूंगा, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते धनुष को खंड खंड कर दूंगा, जो जन पर्यंत दौड़ लगाऊंगा, जो कछु करूंगा सब आपके प्रताप से करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए, लाखन सको लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे कलमला गए, धरती डगमगा गई, जनक जी को संकोच हुआ, जानकी मैया गदगद हो गई, भगवान मुस्कुराने लगे और इसी क्षण इसी स्थिति में गुरु विश्वामित्र जी महाराज गदगद होकर बोले, वाह चेला। हाँ, गुरु को सदगुरु को तो शिष्य के उत्कर्ष में वैसे ही आनंद होता, वाह चेला। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान ने लखनलाल से आंख के इशारे से कहा, लाला सिट डाउन प्लीज। कारण बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारी, शयन ही रघुपति लखनऊ
प्रेम समेत निकट रे भाई, प्रेम समेत निकट रे भाई, विश्वामित्र समय सुख जानी, विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति और भगवान शिव के पिनाक का भंजन करिए, तोरा नहीं का, तोरा माने टप। भंजन का अर्थ ये है कि लाला झटके से ऐसा तोड़ना कि जोड़ने वाला आवे तबो जुरे ना। राम जी जग जननी है भवानी, सीता मैया हमारी, जगत अम्बा जानकी अम्बा। तो अब वीरत्व का परीक्षण है, मेरे राम जी वीर नहीं रघुवीर हैं, नाथ नहीं रघुनाथ हैं, अरे वंशनाथ हैं। वीरत्व कैसा? देखिए वीरत्व ये है, काम वो करे जो कोई कर नहीं पाए, चाहे कश्मीर हो चाहे राम मंदिर हो, यही ना महिमा है। महिमा वो है जो कोई न सब करते हैं तो काम क्या भया। मेरे सरकार उठे साजता से, राम जी का उठना बड़ा प्यारा है। हो सुन गुरु बचन चरण सिर हर्ष विषाद न ठाढ़ भये उठ सहज सुहाए भवने जुवा मृग उदित उदय गिर मन रघुबर बाल भगवान ने मुनिगढ़ जो लोग संग में थे गुरुदेव भगवान के, सबको प्रणाम किया। प्रभु के चलते समय सभी स्त्री पुरुष नर नारी भगवान के राम जी के हाथ से छूते ही धनुष टूट जाए, ऐसी भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे सब स्त्री पुरुष। चले प्रभु, राम जी को प्रेम में देखा प्रभु, सखियों ने सखियां मनाती हैं, सुनैना मैया कहती हैं सखियों से, हे सखियों यहां जो लीला देखने लोग आए हैं, महाराज को कोई समझाता क्यों नहीं? बड़े बड़े वीर धनुष को स्पर्श नहीं किए, कोई राजपुत्र के हाथ दे रहे हैं, अब कहीं इनको कोई चोट लगा घात हुआ तो। रावण भी स्पर्श नहीं किया, सारे के सारे इतने वीर जो आए हैं सब हार गए। एक बड़ी चतुर सखी थी, बुद्धिमान थी, विदुषी थी, उसने समझाया, सखी तेजवंत को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। कुंभज ऋषि छोटे से थे, समुद्र का पान कर गए, सूर्य भगवान का छोटा सा कोला सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है।
मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कर बस कर अंकुश। धीरज रखिए, कामदेव पुष्प के धनुष पर बाण चढ़ाकर सारी धरती को अपने वशीभूत कर लिया था। देवी संशय का त्याग करिए, ये जो ज्येष्ठ पुत्र है महाराज के ना, ये देखने में सामान्य लगते हैं, सामान्य है नहीं, असामान्य। सखी की बात सुनकर सुनन मैया को धैर्य प्राप्त तो हुआ। इधर मेरी जानकी मैया गणेश भगवान की स्तुति करती हैं, हे गणेश देवता, हे प्रथम देव गणपति बाबा, मैंने भोले बाबा से आशीर्वाद पाया, भगवती मैया से आशीर्वाद, अब आप अपनी कृपा भी हमको प्रदान कर दीजिए। करो सफल अपनी सेवा, करे तहर हो श्याम गुरुआई, गण नायक पर नायक देवा, आजो लगे भगवान से प्रार्थना करती है। पूज्य पिताजी ने जो ये प्रण ठाना उसके बारे में चिंतन करने लगी मैं, कितने कोमल तो हैं। तो पिताजी को यही सूची थी, धनुष ही केंद्र में रख करके प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा करने वाला विचार नहीं करता कि हम जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा। अस्त जीवन में स्मरण रखा जाए, चाहे जब प्रतिज्ञाबद्ध न हुआ जाए, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अरे क्या करते हो, पांडवों की तरह जदा जदा जब 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 तब चाहे जब प्रतिज्ञाबद्ध न हुआ जाए। हे तात, आपने क्या कठोर प्रतिज्ञा ठान लिया, और भी तो कुछ हो सकता था,